वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर glazeding.com को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो इनके वेबसाइट पर आपको एक्चुअल 2.5D कर्व टेम्पर्ड ग्लासेस मिलते हैं और इंडिया में ये अकेली वेबसाइट है जहाँ पे आपको रियल कर्व ग्लास मिलते हैं। तो इनके जो भी टेम्पर्ड ग्लासेस इसमें एक्चुअल 2.5D कर्व्ड है और ये प्रीमियम फोन्स के लिए यूवी ग्लास भी बनाते हैं। तो अगर आपको आपके फोन के लिए सबसे बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास चाहिए तो glazeding.com की वेबसाइट को चेकआउट कर लेना और प्रोमो कोड गिज्मो भी यूज करना। ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। हे गाइस, गिज्मो टेक हियर। आज हम करने वाले एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन रियलमी X2 प्रो और आईफोन 11 के बीच में। तो आईफोन 11 को 2019 का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स माना जाता है और अगर हम रियलमी X2 प्रो की बात करें तो इसकी प्राइसिंग आईफोन 11 से आधी है और आधे प्राइस में ये आपको डबल कैमरा सेंसर देता है। यहाँ पे पीछे दो कैमरा सेंसर है आईफोन में और रियलमी X2 प्रो पे चार है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रियलमी X2 प्रो का कैमरा आईफोन 11 से कम्पीट कर सकता है या फिर इससे बेटर भी हो सकता है क्योंकि ये फोन पे आपको जी कैम सपोर्ट भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और अगर आपको ऐसे वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो प्लीज यार लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम कैमरा सेंसर्स की बात करें तो आईफोन 11 पे आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है और एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है। उसी तरफ रियलमी X2 प्रो पे आपके पीछे चार कैमरा है। सबसे पहले तो आपके पास 64 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि है सैमसंग का GW1। उसके बाद आपको मिलता है एक वाइड एंगल लेंस, फिर आता है एक टेलीफोटो लेंस और उसके बाद एक डेप्थ सेंसर है पोर्ट्रेट मोड के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि Realme X2 Pro पे कैमरा टू API का सपोर्ट भी है तो गूगल कैमरा भी चलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों फोन्स के स्टॉक कैमरा के सैंपल्स को कंपेयर करेंगे और उसके बाद Realme X2 Pro गूगल कैमरा वर्सेस iPhone 11 कंपेयर करेंगे। तो अब सबसे पहले स्टॉक कैमरा के कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर हम डेलाइट में फोटोज को देखें तो रियलमी X2 प्रो और आईफोन 11 दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, पर आप अगर फोटोज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आईफोन का ओवरऑल आउटपुट बेटर है। रियलमी X2 प्रो पे प्रॉब्लम क्या है, ये चीजों को थोड़ा ओवर एक्सपोज कर देता है। आप स्काई को देखोगे, आप थोड़े हाईलाइट्स को देखोगे तो ये हमेशा थोड़े ब्लोन आउट लगते हैं रियलमी X2 प्रो पे आईफोन के कंपैरिजन में। रियलमी का यही प्रॉब्लम है यार, ये फोटोज को बहुत ही ओवर प्रोसेस कर देते हैं और उसी के कारण इसके जो कलर्स है, जो ओवरऑल फोटो है, वो कभी कभी आर्टिफिशियल लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईफोन के जो फोटोज है एक्चुअली उसमें डिटेल्स भी ज्यादा है। आप कोई भी फोटो में जूम करके देखो तो जो 16 मेगापिक्सल का फोटो है रियलमी X2 प्रो का, उसके कंपैरिजन में आईफोन 11 के 12 मेगापिक्सल शॉट में ज्यादा डिटेल है। तो डेफिनेटली रियलमी कुछ सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में गड़बड़ कर रहा है। उसके अलावा अगर हम वाइट बैलेंस की भी बात करें तो आईफोन पे एकदम एक्यूरेट है वो, आपको एक्चुअल जो सीन था वैसा ही आउटपुट आपको देखने मिलता है आईफोन में। तो ये आईफोन की कलर एक्यूरेसी है वो बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा जैसे कि पहले मैंने कहा था आपको कि रियलमी X2 प्रो पे जो स्काई है, जो रेड कलर है, वो सारे थोड़े आर्टिफिशियल लगते हैं एक्चुअल जो सीन है उसके कंपैरिजन में। तो रियलमी को उनके कलर्स को फिक्स करने की बहुत ज़रूरत है और ये सेम चीज़ हमें वाइड एंगल लेंस में भी देखने मिलती है। जब आप वाइड एंगल लेंस पे जाते हो तो यहाँ पे वंस अगेन आईफोन और रियलमी X2 प्रो के कंपैरिजन में आईफोन में ज़्यादा डिटेलिंग भी है और आईफोन की जो कलर एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। नॉर्मली क्या होता है, आप कोई भी फ़ोन में नॉर्मल लेंस से वाइड एंगल लेंस पे जाओगे तो क्योंकि वो लेंस अलग है तो थोड़ा आपको फ़र्क देखने मिलता है कलर्स में और ओवरऑल क्वालिटी में, पर आईफोन पे ऐसा नहीं है। जैसे प्राइमरी लेंस पे आपको कलर्स देखने मिलते हैं, जैसे डायनामिक रेंज देखने मिलती है, वैसा ही आपको वाइड एंगल लेंस में देखने मिलेगा। तो वो चेंज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रियलमी X2 प्रो पे आप जैसे ही प्राइमरी से वाइड में स्विच करोगे और जैसे ही आप आईफोन में ऐसे करोगे तो यार आईफोन में ये सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें, उनका उन्होंने ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से रखा है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि आईफोन का जो प्राइमरी लेंस है और जो वाइड एंगल लेंस है, ये दोनों X2 प्रो से थोड़े ज़्यादा वाइड है, तो आपको ज़्यादा चीज़ें भी मिलेगी आपके फ्रेम के अंदर। डेफिनेटली आईफोन मेरे हिसाब से एक बेटर कैमरा है। सिमिलरली अगर हम इंडोर कंडीशंस में भी मूव इन करें तो यहाँ पे भी मुझे आईफोन का आउटपुट ज़्यादा बेटर लगा। आईफोन के फोटोज़ में डिटेलिंग ज़्यादा है, आपके कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है और ओवरऑल मुझे जो डायनामिक रेंज थी वो भी ज़्यादा अच्छी लगी। तो वंस अगेन आईफोन इज़ अनबीटेबल, यहाँ पे आईफोन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। फाइनली अब हम जाते हैं लो लाइटिंग मोड में और यहाँ पे आपको देखने मिलता है नाइटस्केप रियलमी X2 प्रो पर और यहाँ पे आईफोन पे आपको मिलता है नाइट मोड। इस बार सबने बहुत ही तारीफ की है कि एप्पल ने नाइट मोड के साथ बहुत ही बढ़िया काम किया है और आप देख सकते हो यहाँ पे Realme X2 Pro का जो नाइटस्केप मोड है उसमें आउटपुट उतना अच्छा नहीं है, डिटेलिंग तो ना के बराबर है, काफ़ी आपको ब्लर्ड आउट फोटो मिलता है और इसमें ग्रीनिश टिंट भी आ जाती है। उसके कंपैरिजन में आप आईफोन के आउटपुट देखो, आपको कितना ज़्यादा लाइट मिलता है फोटो में और डिटेलिंग तो एकदम एक नंबर है। तो आईफोन डेफिनेटली रियलमी X2 Pro को एकदम किल कर देता है लो लाइटिंग मोड में। आईफोन जितनी क्वालिटी आपको नहीं मिलती X2 Pro पे। उसके बाद हम आ जाते हैं रियर फेसिंग कैमरा पोर्ट्रेट्स पे और यहाँ पे मुझे X2 Pro का आउटपुट बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने फॉर सम रीज़न को ब्यूटी मोड चला दिया है, ऐसा लगता है फेस पे काफ़ी स्मूदनिंग कर दिया है। मैंने ये सारी चीज़ें ऑफ की थी फिर भी थोड़ी इफेक्ट आपको देखने मिलती है।
और इसके अलावा यहाँ पे जो सैचुरेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा ओवर कर दिया है, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने ये फोटोज़ तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे खींचे थे, तो काफ़ी ऑरेंज और येलो सनलाइट डायरेक्ट थी मेरे फेस पे, और आईफोन ने एग्जैक्टली वो कलर कैप्चर किया है। मेरे जो शर्ट का भी कलर है वो भी आईफोन पे एकदम एक्यूरेट है रियलमी X2 प्रो के कंपेरिजन में। तो यार आईफोन की जो कलर एक्यूरेसी है, जो स्किन टोन है, जो डायनामिक रेंज है, जो डिटेलिंग है, वो सारी चीज़ें रियलमी X2 प्रो से बेटर है। सेम केस सेल्फीज़ में भी है। यहाँ पे वंस अगेन सेल्फीज़ में रियलमी X2 प्रो बैकग्राउंड को काफ़ी ब्लो आउट कर देता है, आईफोन उसके कंपैरिजन में उतना ब्लो आउट नहीं करता, और वंस अगेन मेरे शर्ट का कलर, स्किन टोन्स वो एकदम एक्यूरेट है जो वो सीन में थे तब। याद रखिए मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट ऑरेंज येलो सनलाइट मेरे फेस पे थी, तो आईफोन ने वो एग्जैक्टली कैप्चर किया है। वंस अगेन नो कंप्लेन्स विद सेल्फीज ऑल्सो ऑन दी आईफोन। आईफोन 11 का आउटपुट बेटर है रियलमी X2 प्रो के कंपेरिजन में। तो यार अगर आप स्टॉक कैमरा कंपेयर करोगे तो विदाउट एनी डाउट आईफोन बहुत ही ज़्यादा बेटर है रियलमी X2 प्रो के कंपेरिजन में। अब हम आ जाते हैं गूगल कैमरा पे, तो और देखते हैं कि रियलमी X2 प्रो पे गूगल कैमरा कुछ मैजिक कर सकता है या फिर नहीं। तो जैसे ही आप डे लाइट वाले सैंपल्स देखोगे आपको इंस्टेंटली पता चलेगा कि डिटेलिंग इसमें ज़्यादा है। तो अब फोटोज में जूम इन करके देखोगे तो अब जो डिटेलिंग वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। आपको आईफोन के बराबर डिटेल्स मिलती या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा डिटेल भी आपको देखने मिल सकती है। उसके अलावा जो डायनामिक रेंज है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। ये अभी भी स्काई को थोड़ा ब्लो आउट कर देता है बट स्टॉक कैमरा जितना नहीं करता, और ओवरऑल जो सैचुरेशन भी है उसमें आपको कोई ओवर सैचुरेशन देखने नहीं मिलता, काफ़ी अच्छे कलर्स देखने मिलते हैं। आईफोन वंस अगेन थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है बट अब रियलमी X2 प्रो का आउटपुट भी अच्छा है गूगल कैमरा के साथ। और कुछ कुछ फोटोज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपके शेडोज़ भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट भी है, तो वहाँ पे रियलमी X2 प्रो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा काम करता है। आप ये फोटो देख सकते हो, इसमें शेडोज़ बेटर है आईफोन के कंपेरिजन में रियलमी X2 प्रो पे। तो हाँ यार मुझे Realme X2 Pro का आउटपुट अब अच्छा लगा। मैं कहूँगा कि कुछ कुछ फोटोज़ में एक्चुअली ये आईफोन से बेटर भी है। 90% केसेस में अभी भी आईफोन ज़्यादा अच्छा फोटो खींचता है, बट हाँ कुछ कुछ फोटोज़ ऐसे हैं जहाँ पे Realme X2 Pro भी अच्छा काम कर सकता है। जहाँ पे आपको मेजर इंप्रूवमेंट देखने मिलता है वो है नाइट मोड। तो यहाँ पे अब गूगल कैमरा में आपके पास नाइट साइट है, और अगर हम इसे आईफोन 11 के आउटपुट से कंपेयर करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि नाइट साइट वाले फोटोज़ में एक्चुअली लाइट ज़्यादा है कुछ फोटोज़ में। बट वन सेकेंड इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है और डिटेलिंग आईफोन से कम है। आप देख सकते हो कि पीछे जो दूर एक बिल्डिंग है, मैं वहाँ पे भी जूम करूँ तो आईफोन वाले शॉट में आपको ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी गूगल कैमरा वाले शॉट के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट आईफोन 11 का नाइट मोड बहुत ही बढ़िया है, और रियलमी X2 प्रो विद नाइट साइट अच्छा है बट वो आईफोन के अभी भी बराबर नहीं है। तो अगर आपको लो लाइट में बहुत फोटोज खींचना है तो आईफोन 11 ही बेस्ट होने वाला है। उसके बाद फाइनली हम सेल्फीज़ की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक मेजर इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। तो जो भी ओवर एक्सपोजिंग वाले प्रॉब्लम्स थे स्टॉक कैमरा पे वो अब सॉल्व हो गए रियलमी X2 प्रो पर। आप देख सकते हो कि गूगल कैमरा की सेल्फीज़ कितनी अच्छी आई है, बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लोन आउट नहीं है, और ओवरऑल जो डायनामिक रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी है। बट वंस अगेन मुझे इसके फोटोज़ थोड़े से डल लगे। अगर हम इसे आईफोन से कंपेयर करें तो वंस अगेन मेरा जो शर्ट का कलर है, जो स्किन टोन्स है, वो काफ़ी एक्यूरेट है आईफोन पे रियलमी X2 प्रो के कंपैरिजन में। बट हाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक फ़ोटो था जहाँ पे रियलमी X2 प्रो ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो आप ये फोटो देख सकते हो, इसमें पीछे सनसेट हो रहा है मेरे पीछे और काफ़ी ऑरेंज वाला स्काई है, तो आईफोन ने वो एकदम ब्लो आउट कर दिया है, पर रियलमी X2 प्रो ने इसे एकदम ओवरऑल सीन में रखा है। तो यहाँ पे एकदम सुपीरियर डायनामिक रेंज आपको देखने मिलती है। वंस अगेन स्किन टोन्स आईफोन पे बेटर है पर डायनामिक रेंज आपको X2 प्रो में अच्छी देखने मिल सकती है। तो हाँ कुछ कुछ फोटोज़ में रियलमी X2 प्रो ने अच्छा काम किया था बट मेजॉरिटी फोटोज़ में मुझे आईफोन की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर हम कैमरास की बात करें तो विदाउट एनी डाउट आईफोन एक सुपीरियर कैमरा है, बट गूगल कैमरा के साथ रियलमी X2 प्रो काफ़ी क्लोज आ जाता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये फ़ोन इसके आधे प्राइस में आपको मिलता है, तो उस प्राइस के हिसाब से इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो हमने फोटोज़ की तो बात कर ली, अब हम वीडियोस की बात करते हैं। तो ये दोनों फोन्स पर आप 4K 60fps में वीडियोस ले सकते हो, और एक्चुअली आईफोन 11 का कैमरा सबसे बेस्ट है वीडियो के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों फोन से कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ, तो आप वो सैंपल देख लेना और डिसाइड कर लेना अपने लिए। मेरे हिसाब से तो आईफोन 11 का कैमरा बेटर था, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन बेटर है और आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो भी ज़्यादा वाइड है X2 प्रो के कंपैरिजन में। तो अभी मैंने कुछ अलग अलग रेजोल्यूशंस में सैंपल्स खींचे हैं, तो आप ये सैंपल्स देखो और फिर मुझे बताना कि क्वालिटी कैसी है।
अब हम बात करते हैं फ्रंट फेसिंग वीडियो की, तो यहाँ पे Realme X2 Pro 1080p 30fps में वीडियोस ले सकता है और iPhone एक्चुअली 4K 60fps में वीडियोस ले सकता है फ्रंट फेसिंग कैमरा से। तो अभी मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा आइकन भी रखा है नीचे कि कौन से फ़ोन से ऑडियो प्ले हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना और मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सा सैंपल आपको ज़्यादा अच्छा लगा। Hey guys, this is Modic here and this is a camera test between the Realme X2 Pro and the iPhone 11. So I'm shooting on 30fps on the X2 Pro and on the iPhone 11 I'm shooting in 60fps. So you guys can see the quality, the audio quality, the video quality and let me know how both of these phones sound. So I'll put a small icon of which phone is playing the audio, so take a note of that and let me know which microphone quality did you like. तो बस यही थी मेरी डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन iPhone 11 और Realme X2 Pro के बीच में। बहुत ही मेहनत लगी थी ये कंपैरिजन बनाने के लिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं एक्चुअली Realme X2 Pro के कुछ और फीचर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है जो आपको iPhone 11 पे देखने नहीं मिलता, iPhone 11 Pro पे देखने मिलता है। बट सैडली Realme आपको टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट्स खींचने नहीं देता। टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छा आता है बट Realme ने आपको वो ऑप्शन नहीं दिया है। होप अपडेट के साथ वो लोग वो ऑप्शन दे दे, क्योंकि OnePlus 7T पे वो ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा इसमें अल्ट्रा माइक्रो लेंस भी है, तो आप 2.5 सेंटीमीटर्स तक क्लोज जा सकते हो एक ऑब्जेक्ट तक, आईफोन में आपको वो देखने नहीं मिलता। इसमें आप प्योर 64 मेगापिक्सल के फोटोज़ ले सकते हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग आपको मिलती है, वंस अगेन आईफोन में वो भी नहीं है। और फाइनली इसमें आपको रियलमी ने दिया है 20x हाइब्रिड जूम, जो कैसे काम करता है मुझे नहीं पता बट वो एक्चुअली काम करता है। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ अभी 20x जूम वाले आईफोन के कंपैरिजन में, और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिटेलिंग आपको मिलती है। तो वो सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आपको Realme X2 Pro पे मिलता है, बट अगर हम प्योर इमेज क्वालिटी की बात करें तो आईफोन को ये फ़ोन बीट नहीं कर सकता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं एक्चुअली Realme X2 Pro के कंपैरिजन K20 Pro से भी जल्दी करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे कमेंट्स में बताना आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस में वापस आऊँगा। थैंक यू।